हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्टली स्कूल्स में ये चैप्टर स्टार्टिंग में कराया जाता है, तो इसलिए मैं भी ये सबसे पहले चैप्टर कराने वाली हूँ। तो जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी मोशन जो कि किसी एक सीधी लाइन के अंदर हो रहा हो, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम भी है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आपने कहीं क्वेश्चन में पूछा है कि कोई कार एक रेक्टिलिनियर मोशन में चल रही है, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन के अंदर का मोशन। तो क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। अब सबसे पहले जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमारा मोशन होता क्या है? कोई भी बॉडी अगर सराउंडिंग्स के और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसको मोशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी जगह से उठकर कहीं और जा रही हूँ, तो उसको मोशन कहेंगे। पर यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक कार है, ठीक है, एंड यहाँ कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, एंड यहाँ दो पर्सन बैठे, ठीक है। मोशन विद रिस्पेक्ट टू हमें जानना जरूरी है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो बस है, ठीक है, इसको हम ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। सी के रिस्पेक्ट में जो ए और बी हैं, ये क्या हैं? मोशन में। अब आप नोटिस करना, कभी आप गाड़ी में बैठे, कहीं आप नाव में बैठे हैं ना, आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है, तो आपको ये लगा कि यार वो चल रहे हैं, ठीक है, वो मोशन में है। पर बी के रिस्पेक्ट में क्या ए मोशन में है? नहीं। अगर मैं सी को बोलूं कि भाई तू फोन कर बी को और ये जान कि ए रेस्ट में है या मोशन में, बी तो कहेगा यार ए तो बैठा हुआ है मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है, बट सी कहेगा कि यार वो तो चल रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। तो ये हमें देखना जरूरी है कि आप किसके रिस्पेक्ट में चीज देख रहे हो, किससे देख रहे हो, ठीक है। सी के रिस्पेक्ट में बस मोशन में है, ठीक है, एंड बी के रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, ओके। तो मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। मोशन की डेफिनेशन देखो, मोशन होता है कि अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। वहीं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि किसी भी बॉडी की पोजिशन चेंज होना टाइम और सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, उसको हम मोशन कहते हैं, ठीक है। हमारा रेस्ट क्या होता है? इसका अपोजिट बिल्कुल। जैसे हमारा बी को ए जो था वो रेस्ट में दिख रहा था, ठीक है। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट, बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर कोई बॉडी टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रही है, तो वो रेस्ट में मानी जाती है। अभी तक हम ये मानते थे कि कोई भी अगर कोई बैठा है तो वो रेस्ट में, कोई चल रहा है तो वो मोशन में, ऐसा नहीं होता है। किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो चीज़ डिफाइन करती है कि सामने वाला मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। अब हमारा जो
मोशन होता है वो डायमेंशन के बेसिस के ऊपर होता है। हमने डायमेंशंस का नाम तो हमेशा से ही सुना है कि डायमेंशंस क्या होते हैं, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, ये सब हमने सुना है, ठीक है। फिजिक्स के रिस्पेक्ट में हमारे सिर्फ 3 डायमेंशंस हैं, 1D, 2D एंड 3D, ठीक है। तो क्या है हमारे 3 डायमेंशंस हैं, 1D, 2D एंड 3D, ओके। तो डायमेंशंस, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, 3 टाइप्स अभी मैंने बोले, जैसे कि 1D, 2D एंड 3D, राइट। तो क्या हो गया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ओके। 1 डायमेंशनल मतलब ऐसा मोशन जिसको सिर्फ एक एक्सिस चाहिए हो अपने मोशन को दिखाने के लिए। अब मैं कहूँ कि अगर कोई लड़का एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है तो वो 1D मोशन कर रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ एक एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई भी बॉडी जो कि फ्रीली गिर रही हो, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम कहते हैं ना, जिसके ऊपर कोई मतलब नीचे से कुछ नहीं होता, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी 1D के अंदर आती है हमारी। अब 2 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल मतलब कि जिसको 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो अपना मोशन शो करने के लिए, 2 एक्सिस मतलब एक्स एंड वाई, एंड 3 डायमेंशनल मतलब जिसको 3 एक्सिस चाहिए हो अपना मोशन शो करने के लिए, एक्स वाई एंड जेड। हम सबको पता है कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमारी अर्थ जो है ये एक्स एक्सिस में चलती है, 3D में चलती है, राइट। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ओके। अ बॉडी इज सेड टू बी, इन 1D मोशन, बॉडी सेड टू बी इन 1D मोशन इफ इट रिक्वायर्स 1 एक्सिस, it requires one axis to show its motion, okay। 2D में क्या हो जाएगा, a body is said to be in 2 dimensional motion if it requires 2 axes to show its motion, okay। 3D क्या होता है, a body is said to be in 3D motion if it requires 3 axes to show its motion, ठीक है। इनके अब हम examples देख लें एक एक। इसका एक example मान लो freely falling body। example क्या होगा हमारा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसका एग्जाम्पल क्या है, सारे के सारे सर्कुलर मोशन हमारे 2D में होते हैं, ठीक है।
एंड इसका क्या कह सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन, या फिर एक जब हवा चल रही होती है, जिस दिन हमारे हवा चलने वाला दिन होता है, उस दिन हमारे जिस मोशन में काइट फ्लाई करती है उसको हम 3D मोशन भी कहते हैं। तो ठीक है, एक इसी का एग्जांपल लिख लेते हैं, अ काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे। ओके, कोई भी काइट जो कि हवा वाले दिन चल रही हो, उड़ रही हो, उसको कहते हैं, वो 3D मोशन शो करती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, एक हमारा टॉपिक आता है, इसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ये देखो डिस्टेंस, हम इसको डिफरेंशिएट करते करते समझेंगे दोनों चीज़ों को, और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी बॉडी कितना टोटल पाथ कवर कर रही है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मेरा घर यहाँ है, अरे यार घर बनाना था, मेरा घर यहाँ है, ठीक है, ऐसे सही घर होते हैं। तो अब मैं इतना पाथ लेके जाऊँ, यहाँ नुक्कड़ पे भी बैठ जाऊँ, या फिर यहाँ भी चली जाऊँ, जो भी एक्स वाई जेड चीज़ हो, फिर इतना घूम के यहाँ अपने घर आऊँ, ठीक है, तो मैंने जितना पाथ कवर करा उसको तो मैं डिस्टेंस कहूँगी, ठीक है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जो हमारी होगा डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। जितना मैं टोटल पाथ कवर करूँगी वो हमारा डिस्टेंस होगा, एंड इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अब डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, कि 2 + 2 = 4, ये स्केलर है, स्केलर मतलब सिंपल एडिशन, ठीक है, सिंपली हमने ऐड कर दिया। अब मैं कहूँ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसमें हमारे लॉज लगते हैं ऐड करने के लिए, जो कि हम 4th chapter में पढ़ेंगे, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे हम उसमें, ठीक है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो इसकी ये डिस्टेंस होता है आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोल सकते ना कि मैं -40 meter चला हूँ, नहीं, गलत हो जाएगा, मैं 40 meter चली हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव हो सकती है, क्या पता फाइनल पोजीशन की कुछ और वैल्यू हो, इनिशियल की कुछ और हो, सम या डिफरेंस करके हमारा नेगेटिव आ रहा हो, वो चलेगा, बट हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ, डिफरेंस ही लिख लेते हैं एज अ काइंड ऑफ नोट्स, या जब रिवाइज करेंगे तब काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो आप लोग क्या होता है हमारा डिस्टेंस के अंदर, देखते हैं हम। ओके, डिस्टेंस जो होती है हमारी, एक सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, राइट। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन,
ठीक है, एक इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक हमारा जितना एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, पर डिस्टेंस ये पूरा होगा, ठीक है, ओके। डिस्टेंस जो होता है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम शॉर्ट टाइप्स में लिखेंगे। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट्स के बारे में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी होती है मीटर, एंड इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी भी? मीटर, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट अभी मैंने जस्ट रिवाइज कराया था, क्या होता है बताओ? कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव बट इट कैन बी नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव। ये ओ नहीं है, ये जीरो है, जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में एक जो डिफरेंस था, आई होप यू गेट दैट, गॉट दैट डिफरेंस, ओके। तो अब इसके अंदर हमारा एक नोट आता है, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे इक्वल कब होंगे? हमने इनके डिफरेंस तो पढ़ लिया, ये भी जान लिया कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। पर मेन पॉइंट जानना रहता है हमारा कि हम क्वेश्चंस में कैसे प्रूव करेंगे। तो डिस्टेंस जो होता है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कब? जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चलेगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, लिख सकती हूं मैं रेक्टिलिनियर मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। एक कार चल रही है हमारी रोड के ऊपर, ठीक है, अगर वो एक स्ट्रेट पाथ में चल रही है बिना अपना डायरेक्शन मोड़े तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका इक्वल होगा, ओके। ये एक काइंड ऑफ नोट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सा ही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे वेक्टर क्वांटिटी हमने देख ली, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। जब हम डिस्प्लेसमेंट की चीज निकाल रहे हो कि उसने उसमें कितना टाइम रेट चेंज आया है तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर हम स्पीड का निकाल रहे हैं कि उसमें कितना टाइम रेट चेंज है, कितना उसने डिस्टेंस कवर करा है इतने टाइम में, तो वो स्पीड होगी हमारी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का निकाले तो वो हमारी वेलोसिटी होगी, ठीक है। बाकी सब हमारा इसमें सेम है, ये नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ऐसा यूनिट सेम है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या है ये जो है, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, राइट, एंड ये क्या है, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी,
ओके, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. Can be negative, zero and positive. ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड एंड इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड. ओके, इसमें भी एक हमारा टाइप्स ऑफ नोट आ जाता है कि स्पीड जो होगी वेलोसिटी के इक्वल तब होगी जब हमारा डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. ओके, जब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे दो छोटे छोटे से फॉर्मूले, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, कि बंदे ने कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा है अपॉन में टोटल टाइम. ठीक है, और यही हमारा वेलोसिटी की अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. ठीक है, तो आज जो था बेसिक्स था, बिल्कुल बेसिक्स चैप्टर की स्टार्टिंग का, एनसीईआरटी से इतना पढ़ना है एंड एक बारी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा है अभी तक. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कोई भी मोशन जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. ठीक है, मोशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो उस बॉडी को हम मोशन में कहा जाता है. अगर कोई बॉडी चेंज नहीं कर रही है तो वो रेस्ट होगी. ठीक है, अब हमारे डायमेंशंस के बेसिस के ऊपर हमारे तीन डायमेंशंस हैं. ठीक है, 1D, 2D एंड 3D. 1D क्या होता है, 1D जो है हमारा वन डी मतलब कोई भी ऐसा मोशन जिसको सिर्फ एक एक्सिस चाहिए हो अपना मोशन दिखाने के लिए. ठीक है, उसको कहते हैं 1D. 2D मतलब जिसको दो एक्सिस चाहिए हो एक्स एंड वाई. 3D मतलब जिसको थ्री एक्सिस चाहिए हो एक्स वाई एंड जेड. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है किसी बॉडी ने, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा तब इक्वल होगा जब एक बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में चलेगी बिना अपना डायरेक्शन चेंज करे. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड जो होता है किस भी बॉडी के कितना उसने डिस्टेंस कवर करा है उसमें कितना टाइम लगा है वो हमारी स्पीड होती है, एंड वेलोसिटी हमारे डिस्प्लेसमेंट के लिए होती है. स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब हम उसको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, बट वेलोसिटी को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे रूल्स रखते हैं वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस वाले. ठीक है, स्पीड जो होती है हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी नेगेटिव हो सकती है. स्पीड और वेलोसिटी जो है इक्वल कब होंगी, जब हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन में टोटल टाइम. इट्स टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन. ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू.